अभी ये बता, अपने धर्म संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में वेद कितने हैं? वो हमको नहीं बता दे। तेरे को वेद का मालूम नहीं है? मालूम है, वो हमको नहीं बता। मैं इसको ये पूछ रहा हूँ कि वेद कितने हैं, वेद कितने हैं, वेद पुराण कितने हैं? पुराण भी नहीं पता है। पुराण मालूम नहीं है। हिंदू संस्कृति, भारतीय सनातन धर्म में अपने धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? बाबू जी आप समझ लो, बाबू हम तो खाली कपिल हैं, प्रभु जी कपिल। मैं ये पूछ रहा हूँ, तू हिंदू है? जी बाबू हिंदू। तू हिंदू है? हिंदू। तू ब्रह्मचारी है? हाँ ब्रह्मचारी। कौन से भगवान को मानता है? बाबू हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी, बराबर। वो किसके भक्त हैं? बाबू जी तो नहीं पता भगवान किसके भक्त हैं, भगवान किसके भक्त नहीं है। हनुमान जी जो थे, भगवान हनुमान जी बराबर बजरंग बली, वो किसके भक्त थे? बाबू जी जैसा बाबू साहब से इतना तो नहीं है नॉलेज, प्रभु जी आपको वो नॉलेज नहीं है कि किसके भक्त थे, बराबर। आप उनकी पूजा करते हो? पूजा करते हैं। आप कहाँ से आ रहे हो? वो लखनऊ से आ रहा हूँ। आप ब्राह्मण हैं? हाँ ब्राह्मण नहीं, बालक हैं बस। मतलब ब्राह्मण हो, कितने गोत्र हैं अपने में? अभी आपने बताया था कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण भारतीय संस्कृति में कितने बताए हुए हैं, कितनी वर्ण व्यवस्था है? बाबू जी ये तो आप बता सकते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कितनी वर्ण व्यवस्था है? प्रभु जी आप बता सकते हैं बस, हमें तो नहीं पता है। अभी इनको मैं भारतीय संस्कृति की वर्ण व्यवस्था के बारे में पूछ रहा हूँ, जो इनको बिल्कुल मालूम नहीं है। सब लखनऊ से समझ ले, बाबा आप आए हैं, जब महाकाल जा रहे हैं। नहीं महाकाल जा रहे हो, महाकाल कहाँ आया? उज्जैन में। उज्जैन में वो किसका मंदिर है? वो भोलेनाथ का मंदिर। भोलेनाथ है बराबर। भोलेनाथ के कोई चार नाम बता सकते हो? भोलेनाथ के चार नाम शंकर पार्वती हमको लगता है। शंकर पार्वती आपको एक लगता है? शंकर जी भगवान और पार्वती भगवान है, नहीं लगता है। पार्वती कौन था? नहीं पता। पार्वती कौन था वो आपको मालूम नहीं है? पार्वती कौन था वो भी मालूम नहीं है? इतना भगवान पार्वती का नाम नहीं मालूम, हम तो पूजा करते हैं। वो पूजा किसकी पूजा करते हो आप? बतला तो रहे हनुमान जी के बारे में पूछेंगे क्या? पर हनुमान जी की मैं पूछ रहा हूँ, तो हनुमान जी किसके भक्त थे? आपको वो मालूम नहीं है? कितने भक्त थे, किसके भक्त थे वो मालूम नहीं है? पार्वती कौन था? जब भी तो नहीं मालूम है प्रभु जी। पार्वती कौन था वो मालूम नहीं है? शिव जी की पत्नी का नाम क्या था? नहीं पता है। शिव जी की पत्नी का नाम भी मालूम नहीं है? ना कुछ नहीं पता। इधर क्या करने आए हो? हम खाली खाना बनाने आए हैं, खाना बना गाड़ी से उतर गए, खाना बना के जा रहे थे उज्जैन को। खाना बनाने उतरे हो वापस? हाँ बाबू खाना बनाने के लिए उतरे यहाँ पे, हमारा यहाँ कोई काम नहीं था। तुम्हारा कोई काम नहीं था यहाँ पे? खाने के लिए यहाँ पे आए थे, पूछते पूछते चूल्हा मिला है तो मुला बना ले खाना है पे, दाल चावल लेके पका के उज्जैन सूरत होते हुए इस्लाम होते हुए निकल जाएंगे हम। तो कहाँ निकलोगे? उज्जैन में। उज्जैन में निकलो? हाँ भोलेनाथ के दरबार जाएंगे। भोलेनाथ के चार नाम। हनुमान जी की माता का नाम बता सकते हो? नहीं पता। इनको हनुमान जी की माता का भी नाम मालूम नहीं है। भगवान रामचंद्र जी कौन थे? नहीं पता है। भगवान रामचंद्र जी भी आपको मालूम नहीं? पता नहीं है। आपको मालूम क्या है? बाबू सब कहते रहे बाबू पूजा करते हैं हनुमान जी की, खाना बनाने के लिए उतर गए, हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं था बाबू। अब आपको यहाँ से पुलिस स्टेशन में दे दूँ? अरे प्रभु जी कुछ भी समझ ले प्रभु जी, पुलिस स्टेशन में दे दूँ आपको? बाजू में ही पुलिस स्टेशन है वो, तो देखो सामने, मैं तो खाली मैं बता रहा हूँ, पुलिस स्टेशन सामने ही है। अरे बाबू पुलिस स्टेशन में दे दूँ? अरे नहीं प्रभु जी आप भक्त आदमी, टोटली रिकॉर्डिंग हो रहा है, दे दूँ पुलिस स्टेशन में? बाबू आप भक्त हैं। मेरे को ये बता तू क्या करने आया है? खाना पकाने आया है कूलर लेकर बस। झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, अभी पुलिस स्टेशन बाजू में ही है, मेरे को एक फोन करने की जरूरत रहेगी। ठीक है कोई बात नहीं है, करूँ फोन? प्रभु जी बतला तो रहे खाना बनाने के लिए, पुलिस स्टेशन में फोन करूँ? मेरे को पक्का बता जो भी है, क्या क्या करने आया था? कोई काम नहीं बाबू, भोजन बनाने यहाँ पे आया था बस। झूठ मत बोल, जेब में हाथ में जल है। झूठ बोलेगा तो मैं तुरंत पुलिस स्टेशन में फोन करूँगा। हाथ में जल है, मैं तेरे को कह दिया हूँ, हाथ में जल, सत्य कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, बस जल की कसम खा कर रहा हूँ, खाने के लिए यहाँ बाबा उतरा है बस। अब झूठ मत बोल, तेरे जल की कसम में है ना, मैं अभी पुलिस स्टेशन, तेरे को जब संस्कृति के मालूम ही नहीं है कितने वेद है, कितने पुराने हैं, तेरे गुरु कौन है? गुरु कौन है? मेरे गुरु लोटन। लोटन इसमें तेरे पिताजी का नाम लोटन बताया हुआ है ये आधार कार्ड में। हाँ लोटन जो है प्रेम बाबू, सन ऑफ लोटन। लोटन गुरु है कि तेरे पिताजी है? जी पिताजी। तो तूने गुरु क्यों बताया? वही पिताजी गुरु है, पिताजी मेरे गुरु है। अब तू कौन से आश्रम से आ रहा है? प्रभु जी मैं आश्रम से नहीं आ रहा। कहाँ से आ रहा है? मैं सीधे भी तो बम्बई से आ रहा हूँ। बम्बई में क्या करता था?
जी बाबू। बम्बई में क्या करता था बाबू? यही लात राम नखलव होते हुए वो पुष्पक बम्बई में क्या करता था? कितने टाइम से बम्बई में था? हम पुष्पक से गया था लखनऊ से, फिर बम्बई होते इधर आ घूम के इधर निकल आए हैं। देख मैं चुपचाप सीधा सीधा बता दे, तेरे को छोड़ दूंगा, जाने दे दूंगा, वरना मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। प्रभु जी बस यही खाली मांगते हैं प्रभु जी बस। मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। अरे प्रभु जी आप ऐसा ना करिए, चुपचाप सीधा ही सीधा जवाब दे। बस प्रभु मांगते हैं प्रभु जी बस, प्रभु मांगते हैं प्रभु जी बस, बाबू जी मांगते हैं बाबू जी एक दो रुपए बस बाबू। क्या बाबू? अरे बाबू जी आप भक्त हैं बाबू जी। ऐसा ना करिए बाबू जी आप भक्त हैं। मेरे को चुपचाप बता देना, गलती कर दिया। देख मैं तेरे को है ना इसकी नोक पे सीधे पुलिस स्टेशन में ले जाऊंगा, पुलिस तेरे क्या बिगाड़ेगा क्या करेगा वो तेरे को मालूम है। ठीक है बाबू जी, चलिए चलेंगे हम तो, तैयार चलेंगे पुलिस स्टेशन में जाना।